एक्टर अली फजल एक बार फिर से काफी लाइमलाइट में है, पर आप सोच रहे होंगे कि शायद शादी की वजह से। पर आपको बता दें, शादी की वजह से नहीं बल्कि अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से। जी हां, अली फजल ने एक्टिंग की बदौलत इंडस्ट्री में अलग पहचान तो बना ली है। लेकिन आपको बता दें, अली फजल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब तो जनाब का सिक्का फॉरेन में भी चलने लगा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अली फजल को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट किया गया है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिले इस नॉमिनेशन से अली फजल काफी एक्साइटेड है और इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा, वाह, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैं इस नॉमिनेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत विनम्र हूँ और एशिया कंटेंट अवार्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त होना बहुत मायने रखता है। इस साल एशिया में बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट का निर्माण किया गया था और फिल्मों और अभिनेताओं के इस तरह के प्रभावशाली लाइनअप के बीच नामांकन एक सम्मान की बात है। वैसे नॉमिनेशन का पता चलते ही अली फजल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लोगों का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, श्रीजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये स्टोरी सत्यजीत रे की कहानी बिपिन बाबर स्मृति भ्रंश से प्रेरित है। अली फजल को ये नॉमिनेशन फॉरगॉट मी नॉट में अपने इस्पित नायर के किरदार के लिए मिला है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली रे सीरीज की 4 फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अली फजल ने एक तेज कॉरपोरेट शख्स की भूमिका निभाई है जो कभी कुछ नहीं भूलता और उसकी याददाश्त कंप्यूटर के समान है। फिल्म का डायरेक्शन श्रीजीत मुखर्जी ने किया है। ये स्टोरी सत्यजीत रे की कहानी बिपिन बाबर स्मृति भ्रंश से प्रेरित थी। फिलहाल अली फजल के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और उनको जमकर बधाइयां दे रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।